हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विथ रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड़ और सूजी या फिर रवा के लड्डू। तो अगर आप शुगर नहीं खाना चाहते हैं, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और आप चीनी नहीं खाते हैं, तो फिर आप ये लड्डू ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं कैसे बनते हैं ये सूजी और गुड़ के लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गैस पर कढ़ाई रख दी है और मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो अब घी को गर्म होने देते हैं। तो घी गर्म हो गया है तो मैंने यहाँ पर 2 कप रवा या फिर सूजी ली है और इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम भून लेंगे। इसको भूनने में करीब 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये लग जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन सा हो जाएगा हल्का कलर, तब तक हम इसको भून लेंगे। तो अभी ये 50% ही भुना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मेवा ली है, जैसे मैंने गरी ली है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, और किशमिश ली है मैंने, और थोड़े से काजू लिए हैं। तो ये सारी मेवा हम इसमें डाल देंगे। ये काजू हैं और ये किशमिश हैं। तो ये सारी मेवा हम इसमें डाल देंगे और इसको हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं जो किशमिश थी वो किस तरीके से एकदम फूल गई हैं, बिल्कुल तो एकदम अंगूर जैसी ही लगने लगी हैं। तो रवा हमारा भुन गया, तो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। फिर से मैंने वही कढ़ाई रख दी है और मैंने यहाँ पर 2 कप गुड़ लिया है। गुड़ को मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसमें अब 1.5 कप पानी डाल देंगे। 2 कप गुड़ लिया था, इसमें 1.5 कप पानी डाल देंगे। गुड़ को अब हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और उसके 2 मिनट तक, उसके बाद और हम इसको बस पकाएंगे। गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस हमें गुड़ को मेल्ट ही करना है। गुड़ हमारा मेल्ट हो गया, इसको 2 मिनट तक हम और पकाएंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम हम हाई कर देंगे और बस 2 मिनट हो गए। तो मैंने जो रवा भून कर रखा था वो इसमें हम मिला देंगे, चलाते रहेंगे जिससे कोई गुठली वगैरह ना पड़े। इस तरीके से चलाते हुए गुड़ में हम रवे को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 1-2 मिनट तक और इसी तरीके से पका लेंगे। तो बस हमारा रवा अच्छे से गुड़ में मिल गया। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो ये ठंडा हो गया है ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच इसमें घी मिला दिया है। घी आप पहले भी मिला सकते हैं। अब ये ठंडा हो गया तो इसके हम लड्डू बनाएंगे। हाँ, तो हमें थोड़ा सा घी लगा लेंगे और थोड़ा सा हम उठाएंगे रवा और गोल गोल राउंड शेप में इसका हम लड्डू बना देंगे। लड्डू आप अपनी पसंद के अनुसार छोटे या फिर बड़े बना सकते हैं। ये देखिए आप, बढ़िया सा लड्डू हमारा बन करके तैयार हो गया। और इसी प्रोसेस से हम बाकी के लड्डू भी बनाएंगे। लड्डू हमारे बन चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।